वेलकम बैक संजीव कपूर किचन में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इस तरह से किचन में आप जब भी नाइफ इस्तेमाल कर रहे हो तो जरा देख कर करें, ऐसा नहीं हो कि कभी उंगली वगैरह कट जाए। जी हाँ, खैर आप लोगों को ऐसा थोड़ी करना पड़ता है कि खाना भी बनाना पड़ता हो, उसके साथ साथ बातें भी करनी पड़ती हों, जोक भी सुनाने पड़ते हों, खाना भी ना जले, सब चीज़ें ध्यान में थोड़ी रखनी पड़ती है। नहीं नहीं, घर में तो इससे बहुत ज़्यादा होता है कि जब आप खाना बना रहे हैं उस समय घंटी भी बज रही है, उस समय टीवी भी देखना होता है, बच्चों के स्कूल में क्या समय हुआ है, कब वापस आने वाले हैं, उनको क्या चाहिए, यानी बहुत सारी और चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मैं जानता हूँ कि कैसा लगता है। खैर, सिंधी एपिसोड में अब बारी है मनी सेल की। जी हाँ, मनी जो है, मनी ये किस तरह से सेल ब्रेड एक रेसिपी होती है, लेकिन ये जो है सेल मनी, ये कैसे तैयार करनी है, बड़ी सिंपल सी है। और अगर चपाती आपके पास में, रोटी आपके पास में बच जाए तो उसका क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। और तेल को गरम कर लेते हैं। प्याज हो गया, प्याज के साथ साथ हरी मिर्च, और हरी मिर्च ज़्यादा डालनी है तो डाल सकते हैं। खैर ये जो है इसके अंदर आप देखेंगे कि प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, ये सब चीज़ें पड़ेंगी। और ये बनेगी एक ऐसी चीज़ जो बची हुई चपाती के साथ में, जी हाँ चपाती के साथ में इसको बनाया जाता है। और ये हरा धनिया, चलिए हरा धनिया ले लेते हैं और इसे भी चॉप करके इसमें डालेंगे हम। तो ये चॉप किया हुआ हरा धनिया, जीरा इसके अंदर, और जीरे के साथ साथ इसमें प्याज, ये लीजिए। और अच्छा, इसके अंदर कोई मसाले वसाले अगर आप डालना चाहें तो ज़रूर डाल सकते हैं, लेकिन ये बड़ी सिंपल सी रेसिपी है तो इसको जितना सिंपल रखा जाए उतना बढ़िया है। तो ये प्याज को भून लेते हैं हम थोड़ा सा। और जब तक प्याज भूनते हैं, ये टमाटर मैंने काट के रखे हुए हैं, और ये चपाती, ये जो चपाती हैं ये काट के जितनी चपाती लेना चाहें वो ले सकते हैं। और फिर इसको काट के इसके छोटे पीसेस काटने हैं आपने। तो ये जो चपाती है इसको हाथ से भी तोड़ा जा सकता है, काटा भी जा सकता है। तो ये लीजिए, ये चपाती के पीसेस। अच्छा, कुछ लोग इसको एकदम ग्रीन रखते हैं तो इसमें हरी मिर्चों से ही इसको ग्रीन रखेंगे, लेकिन इसमें मज़ा तभी आता है जब टमाटर के साथ में इसको बनाया जाए। ये जो प्याज है लाल हो गया, इसके अंदर टमाटर, और ये टमाटर डालकर इसे भी ज़रा अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। टमाटर रफली चॉप करें या ग्रेट करके इसके अंदर डाला जा सकता है। इसमें मैं ज़रा नमक डाल देता हूँ, और ताकि जो टमाटर हैं वो पूरी तरह से पकने शुरू हो जाएं। और उसके साथ साथ अब इसमें मसाले डालेंगे हम, इसमें थोड़ी हल्दी, उसके साथ साथ धनिया पाउडर, थोड़ा जीरा पाउडर, उसके साथ साथ लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा हरी मिर्च तो डाली ही है, लाल मिर्च पाउडर स्पाइसी बनाने के लिए। और ऐसी जो डिशेज़ होती हैं जिसमें ख़ास तौर से बची हुई रोटियों वोटियों को इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मज़ा तभी आता है जब उसको आप स्पाइसी बनाते हैं। और अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा पानी, और पानी डालकर इसको ये लीजिए पकने देते हैं, और इसको अब उबलने देते हैं। और ये जो रोटी है हमारे पास, ये देखिए ये रेडी। एक्चुअली ये एक जो पड़ी हुई है इसको क्यों पड़ी रहने दें हम, और इसे ये लीजिए, ये जो है रोटी इसके अंदर। और ये जो है, यहाँ पर तो चपाती के साथ बना रहे हैं, ये डबल रोटी के साथ में भी बनती है।
तो आप डबल रोटी के साथ में भी इसको बना सकते हैं। तो ये लीजिए, ये हो गई, इसके साथ में तैयार। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब कुछ लोग ज़्यादा ग्रेवी रखते हैं, कुछ लोग कम रखते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि आप इसमें कितना ग्रेवी रखना चाहते हैं। भाई देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो ये लीजिए पानी इसके अंदर आ गया, कम चाहिए तो पानी कम डालें। तो आपके हाथ में है ये सब तैयार करना कि इसमें कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, लेकिन एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। हरा धनिया जो है वो इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा, ये देखिए, ये पूरी तरह से तैयार और एकदम गर्मा गर्म। ये इसकी जो सेल मनी, मनी सेल, ये जो है सेल एकदम तैयार। थोड़ा सा नींबू डालकर, ये मेरा पर्सनल फेवरेट टच। सेयल मानी बनाने के लिए आपको चाहिए 5 या 6 गेहूं के आटे की चपातियां, 2 मध्यम प्याज, 3 हरी मिर्च, कुछ ताज़ा हरा धनिया, 3 बड़े चम्मच तेल, आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 मध्यम टमाटर कटे हुए, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और कुछ बूंदे नींबू का रस। सेयल मानी बनाने के लिए सबसे पहले प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया काट ले। अब एक नॉनस्टिक पैन में तेल गरम कर ले और उसमें डाले जीरा और प्याज और भूने। चपातियों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले। पैन में डाले हरी मिर्च और 1 मिनट तक भूने। टमाटर और नमक डालकर टमाटर नरम होने तक भूने। अब डाले हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और मिला ले। 1/4 कप पानी डालें और 1 या 2 मिनट तक पकाएं। अब डालें चपाती के टुकड़े, 1/4 कप पानी और अच्छी तरह मिला लें और 1 मिनट तक पकाएं। फिर डालें हरा धनिया और मिलाएं। सर्विंग बोल में निकाल लें, नींबू निचोड़कर उसका रस डालें और गर्मा गर्म परोसें।